जय माता दी। वेलकम बैक टू सोनिका किचन। पनीर काली मिर्च बनाने के लिए ये मैंने दो बड़े प्याज लिए थे जिसे मैंने लंबे स्लाइस में काट लिया है। थोड़े से मैंने काजू लिए थे जिसे मैंने गर्म पानी में सोक करके रख दिया है। आप चाहें तो काजू का टुकड़ा ले सकते हैं। यदि काजू नहीं है तो जो खरबूजे के बीज आते हैं आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये दो बड़े टेबल स्पून मैंने फुल क्रीम ली है उसे ऐड करेंगे जिससे ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो अच्छा आता है। और ये मैंने क्रश करी हुई काली मिर्च ली है। एक आती है मार्केट की जो बारीक पीसी हुई होती है तो उसका फ्लेवर इतना नहीं आता है। आप जो है काली मिर्च को घर में ही मिक्सी में ग्राइंड करें, थोड़ा दरदरा सा रखें उसे, तभी उसका टेस्ट आएगा पनीर में। ये साबुत खड़े मसाले हैं जिसमें मैंने पांच जो है हरी इलायची ली है, एक काली मोटी इलायची, थोड़ी सी जावित्री और पांच छह लौंगे लिए हैं मैंने। ये मैंने तीन अदरक के टुकड़े लिए हैं और ये 10-12 जो है मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, दो हरी मिर्च ली है और ये जो है मैंने धनिये की डंडियां ली हैं जो कि ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। और थोड़ी डंडियों को जो है मैंने ये चॉप करके रख लिया है। ये देखिए पनीर काली मिर्च बनाने के लिए ये मैंने पनीर लिया है और जिसे मैंने मोटे मोटे स्लाइस में काटा है। तो आप भी इसी तरीके से मोटे स्लाइस में ही काटिएगा पनीर को। पनीर काली मिर्च खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए ये मैंने हम कर लिया है 4 टेबल स्पून, जिसे ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसे डाल देंगे बर्तन में। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे क्योंकि नमक इसमें अभी हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी में भी जो है नमक ऐड करना है। इसी क्रश करी हुई काली मिर्च डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी इसमें जो धनिये की डंडिये चॉप करी थी उसे ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। 1 टीस्पून इसमें भुना जीरा ऐड कर देंगे जो कि बहुत अच्छी खुशबू देगा। 2 टेबल स्पून जितनी इसमें फुल क्रीम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर देंगे बट मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी का ऐड किया है, कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा चीज ऐड कर देंगे, आप चाहें तो इसमें प्रोसेस चीज ऐड कर सकते हैं। यदि आपके घर चीज स्लाइस हो तो आप उसे भी एक स्लाइस को ऐड कर सकते हैं इसमें। ये जो हम कोडिंग तैयार करने जा रहे हैं पनीर के लिए, अब इसे हमें अच्छे से मैश करना है। इसमें कोई भी जरा सा भी लम्स नहीं रहना चाहिए और मैंने इसे हाथों से ही मिक्स कर दिया था जिससे अच्छे से जो है ये मिक्स हो जाए। इसमें पनीर ऐड कर देंगे। ये देखिए जो सारा पनीर था इस बैटर में हमने डाल दिया है, अब इसको जो है हम अच्छे से कोट कर देंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से कोडिंग हो गई है। पनीर को हम आधे घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे जिससे पनीर जो है अच्छे से मसालों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। ये देखिए ये मैंने कढ़ाई रखी है मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है। थोड़ा सा बटर डाल देंगे। फ्लेम को जो है हम लो ही रखेंगे अभी, और बटर जो है बहुत जल्दी जल जाता है इसलिए लो फ्लेम पर ही आप बटर ऐड करिएगा। वो तेज पात ऐड कर देंगे इसमें। तो ये खड़े मसाले थे उसे ऐड कर देंगे और 1 मिनट इसको स्वाते कर लेंगे अच्छे से जिससे ये अपना फ्लेवर छोड़ दें ऑयल में। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे जो हमने काटे थे, लहसुन अदरक ऐड कर देंगे और ये जो काजू थे उसे ऐड कर देंगे और 2 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। ये लास्ट में 2 धनिये की डंडियां ऐड कर देंगे और इन सब चीजों को अब हम मिक्स कर लेंगे। हमें इस मसाले को ज्यादा नहीं पकाना है, यानी ज्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का हल्का स्वाते करना है क्योंकि जो पनीर काली मिर्च है वो व्हाइट ग्रेवी का ही बनता है। पनीर काली मिर्च ग्रेवी के लिए हम इसे खाली 2 मिनट तक पकाएंगे बस, जब तक प्याज जो है अपना कच्चापन छोड़ नहीं देते। तो इसे हम हाई फ्लेम पर जो है 2 मिनट तक पका लेंगे। 1 टीस्पून जितना इसमें नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार ही डालना है क्योंकि अभी हमने जो पनीर को कोट किया है उसमें भी नमक ऐड किया है। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। अभी मैंने 1 ग्लास पानी डाला था और मैं थोड़ा सा पानी अभी और डाल रही हूँ इसमें। हमें ये पानी को जो है बॉइल्ड आने तक इसको पकाना है। पानी में जो है बॉइल्ड आ चुके हैं और पानी भी थोड़ा सूख गया है। अब फ्लेम को हम इस स्टेज पर ऑफ कर देंगे। मिक्सी में पीसने से पहले इस मसाले को हमें अच्छे से ठंडा करना है। गरम मसाला मिक्सी में बिल्कुल नहीं पीसना है, नहीं तो मिक्सी जो है हमारी खराब हो जाएगी। ये देखिए हमारा जो ग्रेवी का मसाला था वो ठंडा हो गया है।
अब इसमें जो ये खड़े मसाले हैं उसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि पनीर काली मिर्च की जो ग्रेवी है वो हमें एकदम स्मूथ बनानी है, बहुत ही फाइन पेस्ट बनानी है, इसलिए हम खड़े मसालों को निकाल लेंगे। लेकिन जो हरी इलायची है छोटी वो इसी में रहने देंगे, क्योंकि वो जो है बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू देगी। देखिए इसमें से मैंने जो खड़े मसाले डाले थे वो निकाल लिए हैं, खाली हरी इलायची को मैंने इसी में रहने दिया है। मसाले को हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेते हैं। जो ये मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी रह गया था उसको भी हम इसी में डाल के पीस लेंगे, यानी मसाले में ये पानी डाल के पीस लेंगे। ये देखिए एक तेज पात रह गया था उसको भी हम निकाल देंगे। ये मसाला मैंने मिक्सी के छोटे ग्राइंडर में डाला है, इसमें हम खड़े मसाले पीसते हैं। पनीर काली मिर्च की ग्रेवी पीसने के लिए आप छोटे ग्राइंडर का ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें जो ग्रेवी जो होती है बहुत ही स्मूथ होती है और एकदम फाइन पीसनी चाहिए, तो इसलिए मैंने छोटे वाले मिक्सी जार का यूज कर रही हूँ। देखिए मिक्सी में जो है मैंने पेस्ट पीस ली है, तो ये देखिए पेस्ट जो है हमें ऐसी स्मूथ एकदम पीसनी है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये मिक्सी के छोटे वाले जार में पेस्ट पीसी है। जो भी मैं इस सब्जी में आपको ट्रिक बता रही हूँ आप वो ट्रिक फॉलो करते हुए ही बनाइएगा ये रेसिपी। तो ये देखिए गाइस आधा घंटा हो चुका है पनीर को, इसे मैंने आधे घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखा था, अब इसको हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। देखिए ये मैंने पैन रखा है लो फ्लेम पर और पैन जो है गरम हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल देते हैं। तो पैन में मैंने 2 टेबल स्पून जितना ऑयल यूज किया है, इस ऑयल को जो है हम हल्का हल्का स्प्रेड कर देंगे। देखिए फ्लेम को मैंने लो रख दिया है, ज्यादा हीट पे हमें जो है पनीर नहीं फ्राई करना है। तो ये देखिए इसमें अब एक एक करके हम पनीर का पीस जो है ऐड करते जाएंगे। फ्लेम जो है आप लो ही रखिएगा, हाई बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसमें हमने चीज डाला है वो चीज जो है नीचे से चिपक जाता है, तो इसलिए लो फ्लेम पर ही ये प्रोसीजर करिएगा। एक और बात जो मैं बताना भूल गई थी, इसे नॉन स्टिक पैन में ही करिएगा, अगर आप किसी और पैन में करते हैं तो ये चिपक भी सकता है। देखिए थोड़े से पीस मैंने पैन के अंदर डाल दिए हैं, अभी थोड़े से और बाकी हैं, वो हम दूसरे बैच में डालेंगे। यदि आप तेज गैस कर देंगी तो इसमें छींटे जरा तेज से आएंगी, यदि आप लो फ्लेम पर करेंगे तो छींटे इतनी तेज से नहीं ऊपर को आएंगी। तो आप चेक कर लेते हैं, यदि पनीर का पीस नीचे से हल्का हल्का ब्राउन हो गया है तो उसे पलट देंगे। पनीर को हमें हल्के हाथों से ही पलटना है, यदि आप तेज स्पीड से करेंगे तो पनीर जो है टूट जाएगा। तो ये देखिए पनीर हल्का हल्का नीचे से ब्राउन हो गया है, इस स्टेज पर हम सारे पनीर के पीसों को पलट देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि पनीर के पीस जो है हमारे हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं सारे, अब दूसरी साइड से भी जब ब्राउन हो जाएंगे तो हम पनीर के पीसों को निकाल लेंगे। हमेशा जो है आप पीस जो है शाही पनीर और पनीर काली मिर्च में पीस थोड़े बड़े ही डालिए, चाहे आप कढ़ाई पनीर बनाइए, आप जो भी रेस्टोरेंट स्टाइल की डिश बना रहे हैं घर में पनीर की, थोड़े पीस उसमें बड़े हों तो दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है और टेस्ट भी आता है। तो ये देखिए पनीर को हमें चारों तरफ से जो है हल्के हल्के फ्राई करना है। तो ये देखिए इस स्टेज पर हम एक एक करके अब पनीर के पीस को निकाल लेंगे। पनीर जो है हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं तो इस स्टेज पर हमें निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लाल करेंगे तो पनीर जो है जल ना जाए। देखिए अभी मैंने 2 टेबल स्पून इसमें और ऑयल डाला है, जो दूसरा बैच है वो भी फटाफट इसमें फ्राई कर लेते हैं हम, और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। पनीर को भी हम हल्का हल्का फ्राई करके निकाल लेंगे। जिस बैटर में हमने पनीर कोट किया था यदि ये बैटर बच जाता है तो ये हम आगे ग्रेवी में ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें भी सारे मसाले डले हुए हैं और ग्रेवी का जो स्वाद है और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें दही भी है। देखिए मीडियम फ्लेम पर मैंने पैन रखा है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और साथ ही में बटर ऐड कर देंगे, और फ्लेम को जो है अभी हम लो ही रखेंगे क्योंकि हमने बटर ऐड किया है। अब इसमें हम ग्रेवी ऐड कर देंगे जो हमने पीसी थी, आप ग्रेवी का टेक्सचर देख ही रहे होंगे, खाली हमने बटर और ऑयल में ही ये ग्रेवी ऐड करनी है। बाउल में थोड़ी ग्रेवी लगी ही रह गई थी, उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था, उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप ग्रेवी का टेक्सचर देख रहे होंगे कितना बढ़िया एकदम स्मूथ है ना, आपको पेस्ट जो है एकदम फाइन और एकदम स्मूथ बनानी है। ग्रेवी को 1 मिनट पकाने के बाद यदि आपको ग्रेवी थोड़ी थिक लगे तो उसमें आप दूध ऐड कर दीजिए। तो इसको अब हम मिक्स कर देंगे।
और जो दही का बैटर था जिसमें हमने पनीर कोडिंग किया था उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे, जिससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। आप ये मत समझिएगा कि जो बैटर है बच गया तो हम क्या करेंगे, नहीं, उसको ग्रेवी में ही ऐड करना है। तो अब इसको भी जो है मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो अब दही का बैटर लगा रह गया था बर्तन में, उसमें मैंने पानी डाल के इसमें ऐड कर देंगे। आपको ग्रेवी थोड़ी थिक रखनी है या थोड़ी हल्की सी पतली रखनी है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसी अकॉर्डिंग जो है आप ग्रेवी को पकाइएगा। अब ये जो धनिया की डंडियां चॉप करी थी उसे ऐड कर देंगे बीच में। थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे जो कि 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड करी है। थोड़ी सी क्रश ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर देंगे। क्या आप अपने टेस्ट के अनुसार ही ऐड करिएगा, यदि आप ज्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो थोड़ी कम ऐड करिएगा, और नमक जो है आप अपने स्वाद के अनुसार ही इसमें ऐड करिएगा। इस स्टेज पर आप जो है नमक को चेक कर सकते हैं, यदि कम लगे तो उसे थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अब मैंने फ्लेम जो है हाई कर दी है। ग्रेवी को हम थोड़ा थिक होने तक पकाएंगे, हमें जिस अकॉर्डिंग ग्रेवी रखनी है उतना ही हम इसको पकाएंगे। ग्रेवी को हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे जरूर, क्योंकि इसमें हमने काजू की पेस्ट ऐड करी है तो काजू जो है नीचे तले पर लग जाता है, इसलिए इस ग्रेवी को जो है हम कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। ग्रेवी को हम इतना ही थिक करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये ग्रेवी और भी थोड़ी थिक हो जाती है, इसलिए हमें इस स्टेज पर जो है फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पनीर को जो है इसमें ऐड कर देंगे, सारा पनीर हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी में। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसको हम हल्के हल्के मिक्स कर देंगे ग्रेवी में। तो पनीर काली मिर्च हो गया एकदम रेडी। अब इसको गर्मा गर्म जो है हम सर्व करते हैं। यदि आपकी ग्रेवी ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो आप घबराइएगा नहीं, इसमें थोड़ा दूध ऐड कर सकते हैं, नहीं तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो करते हैं इसको गर्मा गर्म सर्व। यदि आपको ये पनीर काली मिर्च की रेसिपी पसंद आती है तो जरूर लाइक व सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।